एक प्रस्तुति देना चाहता हूँ, एक सॉन्ग गाना हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, होगी शांति चारों एक दिन। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में है हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ना नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर मेरे से कुछ भी गलतियां हो तो मुझे क्षमा करें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। ताना दशमलव भारती तो यूं चांदी पे जाना मुश्किल था, धरती और चांदी की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसारी चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इसी के साथ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इसी के साथ देखिए, हम कार्यक्रम को इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ाते हैं। हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट एक बार फिर से प्रस्तुति देना चाहते हैं। अगर आप
प्रस्तुति को ध्यान से सुने और देखें क्या प्रस्तुति दी है उन्होंने हमारे देश के बारे में, हमारे अमर जवान जो शहीद हुए उनके बारे में। तो प्लीज कम। नाउ आई एम सिंग अ सॉन्ग, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पड़ले में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ स्पीच नहीं दूंगा, बस दो लाइन बोलना चाहूंगा अपने महान देश भक्तों के नाम पे जिन्होंने वतन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। नाम लूं तो आज इतनी अमर गाथाएं हैं कि मैं सुनाता रहूंगा तो भी पूरा दिन हो जाएगा, लेकिन उनकी अमर गाथाएं खत्म ना होंगी। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, तो उनके उपलक्ष्य में मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा। खुश नसीब हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पर मिटकर भी अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। मैं केवल उन महान गाथा महान वीरों के बारे में ही नहीं बताना चाहता, उसके बाद भी बहुत से ऐसे महान वीर हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए तिरंगे में लिपटने के लिए अपनी आन बान शान सब कुछ छोड़ के बस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसमें से बहुत से ऐसे युद्ध हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, जैसे कि रीज आंगला का युद्ध, और बहुत से ऐसे युद्ध हैं जिसमें हमारे भारत के आर्मी जवानों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं बस उनके लिए एक सल्यूट प्रस्तुत करना चाहूँगा। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। आन है देश की, शान है देश की, हम संतान हैं देश की, इन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है देश की। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देशभक्तों के बलिदान पर स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे तो कौन हो, तो
कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कह देना भारतीय हैं हम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही, अब नहीं बोल रही मैं। चालू। आप सभी को आदि बंद करो पहले। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके उपलक्ष्य में कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराओं को जलाए रखना। लहू देकर जिसका हिफाजत शहीदों ने किया, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी उपलक्ष्य में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद जय भारत। देखिए हमारे प्यारे से स्टूडेंटों ने प्रस्तुति दी और सभी ने बारी बारी से प्रस्तुति दी, और भी स्टूडेंट है इसी श्रृंखला में, तो हम उससे पहले एक दो लाइन कहना चाहेंगे। लाइन है, खून खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, एक तिरंगा मेरी छत पर भी रहने दो, एक तिरंगा मेरी छत पर भी रहने दो। इसी के साथ मेरा अगला स्टूडेंट हमारा अग्निपथ एकेडमी का एक प्रस्तुति देना चाहता है, सो प्लीज कम। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। इस ऐतिहासिक दिन के बाद से 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज़ादी के एक साल बाद उसे वर्षगांठ के साथ मनाया जाता है, यानी 15 अगस्त 1948 को पहला वर्षगांठ मनाया गया है। इस हिसाब से देखें तो जब कि 76वीं वर्षगांठ है और स्वतंत्रता दिवस 77वां है। 15 अगस्त 1947 से गिनती करें तो इसका मतलब यह है कि 1947 को भारत की पहली आज़ादी के पहले बरस से स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद किया जाता है, यानी देश की 2023 में अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस है। और इसी के साथ दो लाइनें हैं कुछ तड़कती बड़कती। मैं भारत का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यह यहाँ की चांदनी मिट्टी ही गुणगान करता हूँ, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मुझ पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान करता हूँ। जय हिंद जय भारत। वंदे 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 जय हिंद जय भारत। हेलो, मेरा नाम प्रेम है, मेरी ये उपस्थिति दूसरी बार है और मैं इस गाने को सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ भी
माय नेम इज प्रेम, अग्निपथ अकेडमी से बोल रहा हूँ। मेरे जो मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ उसमें अगर कुछ भी गलती हो तो भाई हम माफ करें। और ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली सकले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है धूमे बस्ती में, यहाँ यहाँ दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। अगर मैदान में, अगर मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है पीछे हट जाएं। जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना। जय हिंद, जय भारत। देखिए हम कार्यक्रम को इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ाते हैं, श्रृंखला को बढ़ाते हुए और हम दो लाइनें फिर से आपको बताना चाहेंगे और फिर उसके बाद कार्यक्रम में आगे क्या होगा आप देखते रहेंगे। देखिए, आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया, आओ झुककर सलाम करें हम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया, खुश नसीब होता है वो खून जिस जो देश के काम आया। और इसी के साथ मैं अग्निपथ अकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर, अग्निपथ अकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर माननीय श्री विश्वेंद्र सिंह जादौन सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए सभी लोग। वंदे वंदे वंदे, मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया हो? आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है और 76वीं वर्षगांठ है। आपको मैं बता दूं, हमारा देश विविधताओं से बना हुआ है, जहां विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। ऐसे देश को जब आज़ादी मिली तो उसको समेटे रखना, सजोए रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक व्यक्ति हुए और गुजराती आदमी, एक खास बात होती है कि वह बिजनेस बहुत अच्छा करना जानता है। वो आपको इस तरह से डराएगा, एक अभी गुजराती व्यक्ति हमारे बीच में है, हमारे देश की कमान संभाले हुए हैं और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, आस पास ना जागे तो एक गुजराती व्यक्ति हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप समझिए, देश टुकड़ों टुकड़े कर गए थे अंग्रेज, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते थे, ये गुजराती है, उन्होंने पूरे देश को एक किया। और तो और छोड़िए, लक्षद्वीप को भी अपना कर लिया। आप सोचिए, पाकिस्तान की सेना पहुंची, हमने पहले ही पहुंचा दी, जो तुम कौन। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से ले लिया, जूनागढ़ को भी हमने ले लिया, जन्म संग्रह कराया। उन्होंने क्या किया, एक हाथ में गाजर रखी, एक हाथ में लाठी। उन्होंने गाजर खाएगा, संग में लाठी दी, समझ में आ गया। एक उन्होंने विलय पत्र बनाया, जिसने मेरी पॉलिटी क्लास पढ़ी होगी वो ये बात समझ पाते होंगे, समझ में आया नहीं आया। तो ये हिंदुस्तान मोहब्बत की दुनिया है, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं और इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए, अग्निपथ अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर है। ये अकेडमी आप लोगों को वर्दी का सपना पूरा करा के ही मानेगी। आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए, लगन से लगे रहिए और आपका भी इतिहास चल रहा है।
अगर हम इतिहास की बात करें तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमें देश से आज़ादी मिली। लेकिन जब हमें देश से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो 3 जून 1947 को एक योजना आई जिसे बंटवारे की योजना कहते हैं, विभाजन की योजना कहते हैं, मन बांटने की योजना कहते हैं। उस समय एटली साहब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को देश आज़ाद हो जाएगा। इस बात का एक आदमी हुआ जो बाद में हमारा एक हिस्सा ले गया, आज हमें उसे क्या कहते हैं, नालायक पाकिस्तान, क्या कहते हैं उसे। अभी एक मूवी आई है गदर 2, गजब की है भाई। इसलिए नहीं कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक हमारे बच्चे को सुधारने की कोशिश की गई है। समझ में आ गया नहीं आ गया। पहले एक ही ससुराल थी, अब बाप और बेटे दोनों की ससुराल पाकिस्तान में है। समझ में आया नहीं आया। तो अब हमारी खातिरदारी करनी ही होगी, अब उन्हें बुरा खाने वहां पर जाना ही होगा। तो 30 जून को 1948 को देश आजाद होना था। आप जब हिस्ट्री में अंतिम समय पर चल रहे होंगे, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँगा, समझा रहा हूँगा, और आप उस समय समझ भी पा रहे होंगे। शायद ऐसा हो सकता है आज आपने इतिहास उतना ना पढ़ा हो कि आप इसमें इस बात में सामंजस्य बैठा पाएँ, लेकिन फिर भी आपको इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने जो क्रांतिकारी हैं, अपने जो नेता हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, देश की विविधता का सम्मान करना चाहिए, और कम से कम कुछ ना हो देश के प्रति कभी भी जहर नहीं उगलना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जब प्रेम हम करते हैं अपने देश से, तो आप एक बार समझो, देश से जब प्रेम करते हैं तो हम केवल देश का भला कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम जो होता है ना, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे कभी हम उसका गलत नहीं कर सकते। इसलिए देश से ऐसे प्रेम करो जैसे आप अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप माता पिता से प्रेम करते हैं, जैसे आप भाई से प्रेम करते हैं। केवल प्रेमिका पर ही उसको होते हो, जैसे आप अपनी बीवी से प्रेम करोगे, अभी नहीं है, अभी नहीं करना, अब बाद में आएगी तब करेंगे। तो 30 जून को आज़ाद होना था, लेकिन देश में जिन्ना के द्वारा लगातार हंगामा किया गया, और उस वजह से क्या हुआ कि सरकार ने जल्दी ही देश को ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही देश को आज़ाद कराने की घोषणा कर दी। और इसी बीच माउंटबेटन 3 जून की योजना लेकर आए और 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। उनको 12 बजे से कुछ मिनट पहले, हमको 12 मिनट के कुछ बाद साइन करने थे, इसलिए वो 14 अगस्त को बनाते हैं। इससे ऐसा लगे कि हम दोनों अलग अलग आज़ाद हुए हैं। कुछ पाकिस्तानी मूर्ख ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम एक दिन पहले हिंदुस्तान से आज़ाद हो गए थे। अब एक गधे पहले हिस्ट्री तो पढ़ ले, गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उनके यहाँ, गलत हिस्ट्री। तो गलत हिस्ट्री ना पढ़ें, और एक बात का ध्यान रखें, यदि आपको पुलिस की वर्दी प्राप्त करनी है, तो एक बात ध्यान रखिए, विशेष बात है ये, कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। चाहे कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे, कितना भी अच्छा पढ़ा दे, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन को जीना भूल जाएं। जीवन को जीना नहीं भूलना, जीवन के साथ पढ़ाई करनी है। बात समझ में आ गया। लोग अच्छे दिन के लिए लगातार मेहनत करते हैं और टेंशन में रहते हैं, और जब वो निकल जाता है समय, तो लगता है अरे वही तो अच्छे दिन थे जब हम टेंशन ले रहे थे अच्छे दिनों के लिए। तो क्या है, वही अच्छे दिन है आपके। आज जो चल रहा है इससे बेहतर दिन कभी नहीं आएगा। ना तो कल में जियो आने वाले, ना ही बीते हुए कल के दुखड़े रहो, बल्कि जो आपने पीछे गलत किया है उससे सीखो और आने वाले कल के लिए प्लानिंग करो। लेकिन हमेशा वर्तमान में जियो, आज में जियो, क्योंकि आज जो टुडे है इज़ अ ब्यूटीफुल, टुडे क्या है, सुंदर है, आपका उसी में जीना चाहिए आपको। समझ में आगे बात। मैं ने जब ये एकेडमी खोली थी, तो मैं गलत नहीं कह रहा, मुझ पर कोई संसाधन नहीं था। मैं कुछ कह सकते हैं फटे पुराने कपड़ों को लेकर यहाँ आया, और जो ये पोडियम देख रहे हैं आप, इसकी जगह मैंने ईंटों को रखना शुरू किया।
आप मानिए, जब मैंने पहले दिन एकेडमी खोली तब मेरे पास, मैंने टाइम दिया था 9 बजे का, 9 बजे की जगह 10 बजे दो लड़कियां आईं, जो 15 मिनट बाद कोई बच्चा नहीं आया तो चले गईं। आज तक वो नहीं आई, ना मुझे नाम ध्यान है। एक लड़का और आया जो लगभग 11 बजे आया। आप समझिए, मैं लगातार 12 बजे तक इंतजार करता रहा। आज वो दिन है और आज ये दिन है कि हमारा चैनल कॉमर्शियल भी हो गया है, हमारी अकेडमी पर भी बच्चे हैं और लगातार लोग मेरे को देखकर कहते हैं अग्निपथ अकेडमी। मुझको नहीं जानते लोग, लेकिन अग्निपथ अकेडमी को जानते हैं। अगर इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं गलत नहीं कह रहा, जल्द ही ये अकेडमी उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदी क्षेत्र में धूम मचाएगी। हम लोग पूरे हिंदी, पूरे उत्तर भारत में ऐसी धूम मचाएंगे। इस अकेडमी के अलावा कोई अकेडमी किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं, हम वो देते हैं जो आज तक कोई नहीं दे पा रहा। हम उतनी कम फीस में क्वालिटी देते हैं, हम लोग फ्री में भी क्वालिटी देते हैं। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है और सहयोग केवल इतना है कि आप मन लगाकर पढ़ें, आप मन तन और धन सब लगा दें। इसीलिए एक बात है, मुझे शायरी याद आ गई, ना मुझे मेरा, ना मुझे तन चाहिए ना मुझे मन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, मुझे केवल मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, मुझे केवल मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ कि मैं अब जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ मुझे कफन तो नहीं मिलेगा तिरंगे का, लेकिन ये बात आपसे दावा करता हूँ, इतने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट कराऊंगा, हर बच्चे को कफन से प्यार होगा, वो तिरंगे का कफन होगा उनका। आपको बस इतना करना है, रेगुलर यहाँ आना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो रेगुलर आपको क्लास लेनी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप डेली 10 घंटे मत पढ़िए, क्योंकि अगर 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप मशीन हैं। मशीन और इंसान में अंतर होता है, मशीन में और इंसान में अंतर होता है। आप 10 दिन पढ़ पाएंगे 10 घंटे, उसके बाद आपके धीमे धीमे टाइम कम होने लगेगा और फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, डेली 2 घंटे पढ़ सकते हैं आप घर पर, तो डेली 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। आप समझिए, एक रस्सी और एक पत्थर कितना अंतर होता है, लेकिन रस्सी लगातार आती जाती है, लगातार आती जाती है, उससे क्या हो जाता है, सिल पर या पत्थर पर निशान पड़ जाता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, जिस जगह आप रहते हैं यहां बहुत बड़ा गड्ढा था, गर्त था, लेकिन हिमालयी नदियों ने लगातार लगातार बही और वहां से क्या लेके आई, लगातार अपने साथ गाद या मिट्टी को लेकर आई और आज ये भर गया है, आज जहां हम रहते हैं। आप समझ रहे हो, तो वो पानी भी क्या करता है, लगातार बहने से उस हिमालय को काट रहा है। तो आप तो केवल आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, अगर आप दो घंटे लगातार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो आप सीख जाएंगे। क्योंकि हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, हौले हौले सीखेंगे, कैसे, हौले हौले सीखेंगे फिर भर भर कटोरा पीसेंगे। समझ में आ गया, ये हमारे गांव की कहावत है, हौले हौले सीखेंगे फिर भर भर कटोरा पीसेंगे। तो आपको धीरे धीरे सीखना है और देखना एक दिन आप वहां खड़े होंगे जहां लोग कहेंगे, जहां लोग कहेंगे कि अरे वाह कैसे पहुंचे, बता देना उसे, बता देना उसे, क्या बघेल कॉलोनी अग्निपथ एकेडमी, चाहे सब्सक्राइब कर ले चाहे पहुंच जा ऑनलाइन, तू भी यही होगा जहां आज मैं हूं। समझ में आ गया, तू भी यही होगा जहां आज मैं हूं, लेकिन करना क्या होगा, तुझे अग्निपथ एकेडमी से जुड़ना होगा। किससे जुड़ना होगा, अग्निपथ एकेडमी से, क्योंकि अग्निपथ एकेडमी वह प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी मंजिल पहुंचाएगी। अरे वक्त तो लगा, अरे वक्त तो लगा, फिर देखना तेरा वक्त लगाने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। वक्त तो लगा, फिर देखना तेरा लोग वक्त लेने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं, तो आप लोग हमारे रेगुलर आइए, रेगुलर वे पर आइए। इंडिपेंडेंस डे है आज, स्वतंत्रता दिवस है, और हमारी कोचिंग हिंदी माध्यम में है,
जल्द ही हम अन्य माध्यमों में उपस्थित होंगे। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे वंदे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में मैं शायरी बोलना चाहती हूँ। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए हूँ, और जब मरूँ तो तिरंगा भरा कफन चाहिए। थैंक यू। मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, कर्म मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। थैंक यू।